पॉलीपेप्टाइड चेन्स नेक्स्ट हेडिंग आती है नेक्स्ट हेडिंग सिंथेसिस ऑफ नंबर थर्ड हेडिंग आता है सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीपेप्टाइड्स सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इस हेडिंग में ये हम स्टडी करेंगे कि जिस समय दोनों स्टैंड मान लीजिए एक स्टैंड ए वाला हो गया एक स्टैंड ए वाला हो गया तो दोनों स्टैंड जब अलग अलग हो जाते हैं तो किस प्रकार से इसे अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री को तैयार करता जो है वो और इसको बोलते हैं न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन बोलते हैं या सिंथेसिस कहलाता है। माने किस प्रकार से इसमें जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का इसमें फॉर्मेशन होता है और इसे क्या बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ द न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं। अब आती है कि इसके लिए इसमें कुछ एंजाइम हेल्प करते हैं जिससे इसमें क्या होता है डीएनए ए देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो वास्तव में डीएनए पॉलीमरेज तो फर्स्ट एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट एंजाइम होता है तो उसको कार्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं कार्नबर्ग क्योंकि कार्नबर्ग ने जो है इसका सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उन्होंने क्या किया है अवलोकन किया। अब आती है कि कार्नबर्ग साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि कुछ जीवाणुओं से पॉलीपेप्टाइड मतलब डीएनए मॉलिक्यूल को अलग किया और उस एंजाइम को रखा तो देखा कि इससे जो है वो स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया तो मैंने एक इन्होंने लेबोरेटरी में कर लिया जो है वो तो मैंने कि ये शो करता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है इस स्टैंड के फॉर्मेशन में जो होता है वो हेल्प करता है वो। अब आती है कि इस तरह से जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है उसको हम कार्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। माने लेबोरेटरी में अगर पहले से कुछ सिंथेसाइज जो है डीएनए मॉलिक्यूल हो और अगर पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रख दिया जाए जो है वो तो क्या काम करता है कि ये डीएनए के माने कि डीएनए के स्टैंड के फॉर्मेशन में जो होता है कैटलाइज माने कैटलिसिस का काम करता है वो। अब आती है नेक्स्ट होता है आरएनए प्राइमर्स तो आरएनए प्राइमर क्या होता है वो आरएनए प्राइमर जो होता है इस ये क्या होता है वो तो एक विशेष प्रकार का जिसको प्राइमेज या आरएनए पॉलीमर बोलते हैं वो ये क्या काम करता है आरएनए प्राइमर्स के सिंथेसिस में माने की हेल्प करता है वो। तो ये आरएनए जो प्राइमर होता है जो आरएनए प्राइमर होता है इसमें माने ये क्या काम करता है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये जो माने जो पीस होते हैं जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसके दो दो साइड होते हैं एक लीडिंग स्टैंड होता है एक दो लैगिंग स्टैंड होता है तो लीडिंग को अगुआ बोलते हैं और लैगिंग को पिछुआ बोलते हैं। तो आरएनए प्राइमर जो होता है उसमें क्या होता है जो लीडिंग स्टैंड होता है लीडिंग माने अगुआ होता है और लैगिंग माने क्या होता है एक सेकेंड होता है लैगिंग स्टैंड होता है उसको हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं लैगिंग स्टैंड कहलाता है। तो लीडिंग स्टैंड जो होता है वो अगुआ स्टैंड होता जो है और लैगिंग स्टैंड जो होता है पिछुआ स्टैंड होता है वो। तो आरएनए प्राइमर जो होता है वह दोनों से लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड दोनों से आकर के उसके पीछे की ओर लग लेता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सदैव 5' और उसकी जो है थाइस्टाइम होती माने इस टाइप होता है और ये क्या काम करता है या इसकी एंडिंग पॉइंट माने कितनी लेंथ होगी जो है वो उसकी लेंथ को क्या करता है ये डिसाइड करता है।
अब आती है कि इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों स्टैंड है, वो यहाँ पर देखिए तो लीडिंग स्टैंड हो गया, इसके पीछे यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा है, इसके बाद यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा है, देखिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा होता है वो, और यह आरएनए जो प्राइमर होता है, आरएनए जो प्राइमर होता है ये कुल मिलाकर के इसके सबसे पीछे पॉइंट पर लगा होता है। अब आती है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि लीडिंग और लीडिंग स्टैंड में जो है वो, तो लीडिंग जैसे बताया कि लीडिंग स्टैंड के पीछे, लीडिंग माने आगे होता है, लैगिंग माने पिछुआ होता जो है वो। अब आती है कि जब जो आगे पीछे होता है तो लीडिंग स्टैंड तो बिल्कुल पैरेलल चलता जो है वो। अब इसके बाद जो दिशक यहां पर है वो, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम क्या काम करेगा कि ऑन द लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड की कितनी लंबाई होनी है, इसको क्या होता है ये पॉलीमरेज डिसाइड जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम वह उसको डिसाइड करता है। अब आती है इसी प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है, तो अब आती है कि जो लाइजिंग स्टैंड होता है माने जो पिछुआ स्टैंड होते हैं वो, उसमें क्या होता है, उसमें डीएनए के छोटे छोटे पीस होते हैं वो, और वह डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के पीस होते हैं वो, और इस पीस को, इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। मीन्स ये जो पीस होता है इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो, इसकी खोज रिजी एंड ओकाजाकी माने दो साइंटिस्ट आए जो है वो, इन्होंने इसकी खोज किया जो है, और उन्हीं के आधार पर जो है वो इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि लीडिंग स्टैंड तो कंटिन्यू बढ़ता है वो, लेकिन जो लैगिंग स्टैंड होता है वो छोटे छोटे पीस में होते हैं वो, और इसी को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं वो। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है वह पीस भी जो आगे बढ़ता है, और इसके बाद क्या होता है वो, फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जिसको कि कार्नवर एंजाइम बोलते हैं, ये क्या काम करता है, जब ये जो पीस होते हैं वो, इस जैसे यहां पर पीस हो गया, यहां पर पीस हो गया, तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो फर्स्ट एंजाइम होता है ये क्या काम करता है, रिमूविंग आरएनए प्राइमर एंड फिलिंग गैप, माने कि जैसे यहां पर पीस हुआ, यहां पर पीस हुआ, तो जब पीस को आगे यहां पर माने कि ए आरएनए प्राइमर को हटा देगा जो है, और जो यहां पर फिलिंग होती है उस फिलिंग को क्या कर देगा, ये गैप माने भर देता जो है। इसके बाद क्या होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, चूंकि ए वाला स्टैंड फाइव स्टैंड फाइव स्टैंड है वो, तो जाहिर सी बात है जो पीस बनते हैं ये पीस सदैव जो होता है फाइव टाइम और थ्राइस टाइम वाले होते हैं, इस साइड वाले होते हैं। अब आती है इसके बाद क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम और होता है, और उस एंजाइम को बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डीएनए लाइगेंड एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेंड एंजाइम। और डीएनए लाइगेंड एंजाइम क्या काम करता है कि जो ए पीस हो गया माने जो डीएनए के पीस होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, इन पीस को आपस में जोड़ देता है। मींस डीएनए जो लाइगेंड एंजाइम होता है वो डीएनए के पीस को जोड़ने काम करता है, और जोड़ करके फाइनली जो होता है वह एक लंबा सा ऐसा स्टैंड बन जाता है वो, और ये जो स्टैंड होती है इसको हम लैगिंग माने पिछुआ स्टैंड बोलते हैं, पिछुआ स्टैंड कहलाता है। तो अब आती है कि इसको अब इसमें क्या होता है कि रिजी और जो आउटसाइड जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसमें डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेस होता है, इनकी संख्या जो है 100 to 200 होती है, माने कि मीन्स व्हाट,
इंडिकेशन ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं इसमें नाइट्रोजनस बेस की संख्या जो होती है वह 100 to 200 सदैव होता है, मैंने सदा नहीं होता जो है। अब आती है कि जो ए इसी प्रकार से इसके बाद इसमें आगे देखेंगे एक ये देखिए जो राउंड शेप दिखाई पड़ रहा आपको ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए होता है, ये क्या काम करता है कि जिस समय डीएनए का डुप्लीकेशन रुप्लीकेशन होता है तो क्या होता है कि माने कि इसमें सुपर मतलब कि क्वाइलिंग ना होने पावे, तो क्वाइलिंग होने से बचाने के लिए माने कुंडलन हो, चूंकि ये बहुत तेज कुंडलन भी करता है वो, ये खास खूबी क्या होती है कि जिस समय डीएनए का डुप्लीकेशन होना होता है तो कुंडल नहीं होना चाहिए जो है वो, तो उस कुंडलिंग माने क्वाइलिंग होने से बचाने के लिए पर्टिकुलर टाइम उतने टाइम के लिए जो है वो इसमें क्या होता है एसएसबी मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि क्वाइलिंग को क्या करता है वो रोकने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें आगे देखेंगे टोपो आइसोमरेज थर्ड या डीएनए गायरेज एंजाइम बोलते हैं, माने टोपो आइसोमरेज थर्ड या डीएनए गायरेज एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है एक घूर्णन माने चूंकि रोटेशन ये रोटेशन को क्या कर देता है जो है वो रोटेशन को माने कि कम कर देता है घटा देता है जो है वो माने समाप्त कर देता है वो माने टोपो आइसोमरेज थर्ड एंजाइम जिसको डीएनए गायरेज एंजाइम कहते हैं ये इसमें रोटेशन को समाप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो रिप्लिकेशन जो होता है जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया है वो चूंकि सिंपल टाइप होता है जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया का में 1.7 mm उसकी टोटल न्यूक्लियाई डीएनए की लेंथ होती है, उसको बोलते हैं टोटल न्यूक्लियाई डीएनए की लेंथ होती है वो, और इसमें इसको पूरा होने में माने रिप्लिकेट माने ई कोलाई बैक्टीरिया में जिसकी जिसको कि न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं वो न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है, जिसमें कि रिप्लिकेशन माने रिप्लिकेशन प्रति मिनट की दर से 50,000 नाइट्रोजनस बेस तैयार होते हैं और उसका रेट क्या होता है कि लगभग 1 आवर में डीएनए का रिप्लिकेशन पूरा हो जाता है। बट इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में जो होता है यह रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जो होता है क्योंकि इसका डीएनए लंबा होता है वो, तो इसलिए इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में यह जो है माने कि यह डुप्लीकेशन होने में लगभग 6 to 8 hours लग जाता है, जो इतना टाइम लग जाता है। अब आती है कि एक टर इसमें आता है वो जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस जो होता है यह एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि सारे बैक्टीरिया को किंगडम मोनरम रखा गया है वो, और इससे एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक तैयार किया गया जो है, और उस एंटीबायोटिक को कहते हैं एक्टिनोमाइसिन डीप कहते हैं वो। एक्टिनोमाइसिन डी जो होता है वह एंटीबायोटिक होता है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस से इसको हम तैयार करते हैं और इसका नाम है एक्टिनोमाइसिन डी है वो। अब आती है एक्टिनोमाइसिन जो डी मतलब वो एंटीबायोटिक होता है
ये क्या काम करता है कि बैक्टीरिया से, माने क्या मतलब कि ए डीएनए के डुप्लीकेशन को जो एंटीबायोटिक खाते हैं वो, तो क्या काम करता है कि यह डुप्लीकेशन या डुप्लीकेशन को ये ब्लॉक कर देता है। एक तक इसमें और आता है, उसको रिप्लिकॉन बोलते हैं। रिप्लिकॉन, जैसा कि हम बताए थे कि रिप्लिकॉन क्या है, तो रिप्लिकॉन क्या होता है, रिप्लिकॉन चिल्ड्रन, रिप्लिकॉन क्या है वो, जैसे मान लीजिए कि ए डीएनए है, ये डीएनए है ये, और यहां से मान लीजिए कि शुरुआत हो गया जो है वो, ये देखिए, तो ए पोर्शन यहां से इधर साइड बना और यहां से इधर साइड बना, तो ए जो पोर्शन होता है यहां से लेकर यहां तक पोर्शन को जो है वो, इसको हम रिप्लिकेशन बबल बोलते हैं। ये जो कहलाता है इसको वो कहते हैं रिप्लिकेशन बबल कहलाता है। अब आती है कि रिप्लिकॉन वह पॉइंट होता है जहां से कि रिप्लिकेशन जो होती है, जितनी मात्रा में रिप्लिकेशन, जहां से रिप्लिकेशन शुरुआत होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो एक ही पॉइंट होता है वो, और उसको उसको बोलते हैं ओरिसी बोलते हैं, ओरिसी कहलाता है, और ओरिसी मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं उसको। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में लगभग हजारों रिप्लिकॉन होते हैं, तो रिप्लिकॉन वह पॉइंट होता है जहां पर रिप्लिकेशन शुरुआत होता है वो मूल डीएनए में, और उसी को हम रिप्लिकॉन बोलते हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट रिप्लिकॉन कहलाएगा जो है, और इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम रिप्लिकेशन बबल कहलाते हैं, कहते हैं। इसे मान लीजिए यहां पर ये भी रिप्लिकॉन कहलाएगा, यहां भी रिप्लिकॉन हो सकता है वो, यहां भी रिप्लिकॉन हो सकता जो है वो, तो डीएनए में माने मूल डीएनए जो होता है जहां रिप्लिकेशन हो, मूल डीएनए को रिप्लिकॉन कहते हैं वो, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में हजारों रिप्लिकॉन होते हैं, 500 से 1000 रिप्लिकॉन होते हैं, किंतु बैक्टीरिया में सिर्फ एक रिप्लिकॉन होता है और वह कहलाता है ओरिसी, या उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन उसको हम कहते हैं जो है। अब आती है कि रिप्लिकॉन, तो एक रिप्लिकॉन में लगभग इसकी अमाउंट जो होती है 50,000 से 3 लाख नाइट्रोजनस बेस, 50,000 से 3 लाख नाइट्रोजनस बेस, माने एक रिप्लिकॉन से 50,000 से 3 लाख जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस की संख्या होती है। जैसे रिप्लिकॉन है वो, तो यहां पर जो बेस होते हैं उसकी संख्या जो होती है वो 50,000 से 30,000 होता है वो, बट इन केस ऑफ इसमें जो होता है ओरिसी एक कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द, इसमें क्या होता है वो, इसको बोलते हैं, कहते हैं रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन। थैंक यू।